नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार पंचायत चुनाव के एक नए अपडेट के बारे में, क्योंकि अब तक जो स्थिति है उसमें कि दो चरणों की जो है नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बाद से जो है अपडेट आने शुरू हुए हैं। बिहार में एक तरफ जहाँ मानसून सक्रिय है तो वहीं प्रदेश में पंचायतों का चुनावी मौसम भी शुरू हो चुका है। बिहार में दो चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण का नामांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में अब नामांकन से जुड़ी हुई खबरें निकलकर सामने आने लगी है। साथ ही साथ यह भी खबर सामने आ रही है कि जिसमें बताया जा रहा है कि बिना चुनाव लड़े ही चुनाव मैदान में जीत सकते हैं प्रत्याशी। बता दें कि पहले चरण में कुल 830 ऐसे ग्राम कचहरी पंच और 26 ग्राम पंचायत सदस्य यानी कि वार्ड जो निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं, साथ ही एक पंचायत समिति सदस्य भी निर्वाचित हो सकते हैं, साथ साथ एक जिला परिषद सदस्य को भी निर्वाचित होने की बात जो है वह कही जा रही है। बता दें कि पहले चरण में चुनावी प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच और सिंबल देने का काम पूरा हो चुका है। इस बाबत आयोग ने बताया कि पहले चरण में 10 जिलों के 12 प्रखंडों में ग्राम पंचायत सदस्यों की कुल 2233 पदों में से 26 पदों, पंच के 2233 पदों में से 630 और जिला परिषद के 22 में से एक, पंचायत समिति सदस्य के 195 पदों में से एक पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित होने की बात जो है वह सामने आई है। यानी कि इतने पदों पर जो है सिर्फ एक ही कैंडिडेट जो है वह नामांकित हुए हैं, या तो सिर्फ एक ने ही नामांकन कराया या फिर कई लोगों ने जो है नामांकन कराए होंगे, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन नाम वापसी का दिन था उस दिन एक को छोड़कर बाकी लोगों ने जो है अपना नामांकन वापस ले लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ जितने वालों का ही समीकरण बैठा, कुछ सीटें तो ऐसी थी जिन पर कोई उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। बिहार पंचायत चुनाव 2021 में ग्राम कचहरी पंच के 71 और ग्राम पंचायत सदस्य के एक पद पर किसी ने उम्मीदवारी का पर्चा ही नहीं दाखिल किया, यानी कि इन 72 सीटों पर कोई उम्मीदवार ही नहीं है। जाहिर है इन सभी 72 सीटों पर निर्वाचन विभाग को एक नए सिरे से चुनाव कराना होगा। वहीं अगर हम तीसरे चरण की बात कर लें तो इसके लिए गुरुवार को अधिसूचना जारी हो जाएगी। तीसरे चरण में 35 जिलों के 50 प्रखंडों में 6 पदों के लिए चुनाव होगा। इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू होगी और यह 22 सितंबर तक चलेगी। बता दें कि 25 सितंबर को नामांकन पत्रों की समीक्षा की जाएगी, इसके साथ साथ 27 तक जो है नामांकन पत्र भी वापस लिए जा सकेंगे। बिहार पंचायत चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें जो है नई नई चीज़ें जुड़ती जाएंगी। इस बार कोरोना और बाढ़ के कारण चुनाव प्रदेश में लंबे समय तक चलेगा। इस दौरान खासकर कोरोना का ध्यान रखा गया है, साथ ही साथ भीड़ भाड़ से बचने की बात भी कही गई है। आयोग ने इसको लेकर पूरा गाइडलाइन जो है वो जारी कर दिया है, जिसमें नामांकन से लेकर चुनाव कराने तक में कोरोना गाइडलाइन पालन करने की बात कही गई है। बिहार में इस बार पहली बार होगा जब ईवीएम और बैलेट बॉक्स के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। तो हमने आपको अभी तक जो बताया उसमें दो चरण के नामांकन प्रक्रिया को लेकर बात कही, जिसमें कई ऐसी सीटें हैं, 70 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जो कि खाली पड़ी हुई सीटें हैं, और वहीं 800 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जिस पर जो है मात्र एक उम्मीदवार जो है वो नामांकन कर पाए हैं, यानी कि नामांकन हुआ है वहाँ पे, या फिर कई लोगों ने जो है अगर नामांकन कराने के बाद भी उन्होंने नाम वापस करा लिया है। तो पंचायत चुनाव अब अपने सवाब पे है एक तरह से कह लें। जैसे जैसे धीरे धीरे और पंचायत चुनाव आगे बढ़ेगा इसमें और कई नए रंग और नए रूप हमें देखने को मिलेंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।